बाजीगर फिल्म की हीरोइन शिल्पा शेट्टी के कॉलेज बिल्डिंग से गिरते नजारे से स्थिति मध्य प्रदेश में खरगोन के पीजी कॉलेज में नजर आई, जिसे देखकर मौजूद छात्र छात्रा भी सहम गए। खरगोन के कॉलेज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरी बीए की छात्रा को देखकर मौजूद छात्र छात्राओं की धड़कन रुक सी गई। मौके पर मौजूद एनएसयूआई के सदस्यों ने घायल छात्रा को अस्पताल ले जाने के लिए जब कॉलेज प्रोफेसर की कार के उपयोग की बात कही, तब प्रोफेसर की अमानवीय हरकत उजागर हो गई। कॉलेज प्रोफेसर द्वारा कार देने से इनकार करने पर घायल छात्रा को आधे घंटे बाद आई एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि कॉलेज छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। छात्रा कॉलेज से गिरी है या किसी ने उसे धकेल दिया है या फिर वह खुद कूदी है, यह स्थिति स्पष्ट हो इसके लिए एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की है। वहीं प्रोफेसर की अमानवीय हरकत की भी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की बात कह रही है। हादसे को लेकर एनएसयूआई ने आक्रोश जताते हुए कहा कि छात्र के घायल होने की सूचना के बाद भी कॉलेज प्रबंधन मौके पर नहीं पहुंचा। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे वाणिज्य भवन के बिल्डिंग के पास छात्रा के घायल अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर एक प्रोफेसर को अस्पताल भेज दिया गया था और पालक भी पहुंच गए थे। तो आप जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं बोलते हैं आप लिखे दे दो, मैं उस हिसाब से काम बात करूंगी। बोल रहे हैं आप, मैं लिखने की बात नहीं है, ये हमारे कोई सब्जेक्ट में नहीं था कि कोई धीरे उसको उठा के नैतिकता की भावना है। हमें बचपन से सिखाया गया और जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ के मास्टर लोग ही की शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप उनको बुला के बात कर सकते हैं। एक दिन कमर में हाथ डालना पड़ेगा। अरे तुम शांति रखो यार, अभी यार शांति रखो, पाँव पकड़ लेंगे हम। रितेश जा रहा कॉलोनी में बोलने मधु मिलन के पास, वो कोई भी छात्र में सब हम जितने भी है ना सब हमें लेके आ रहा। कुछ देर पहले एक बालिका की गिरने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर हम प्राचार्य महोदय के पास गए थे, लेकिन प्राचार्य महोदय उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से हम प्रभारी मैडम से मिले और जो घटना हुई है तो बीकॉम डिपार्टमेंट से जो तीसरी मंजिल से बच्ची गिरी है उसकी फुटेज की मांग की है, फुटेज निकाली जाए और उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और जब बालिका गिरी थी उस वक्त जहां पर हमारा एनएसआई के छात्र संगठन के बच्चे कैंपस में बैठे हुए थे, उन्होंने देख कर उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन जब उसी वक्त उस बच्ची के लिए प्रोफेसर से गाड़ी मांगी गई तो एक नैतिकता के आधार पर कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं हो रहा था, सभी मुहूर्त बनकर देख रहे थे। और कॉलेज आज लावारिस एकदम पूरी स्थिति में खड़ा हुआ है, यहाँ कोई प्रोफेसर देखने वाला नहीं है, 12 बजे तक कोई प्रोफेसर आया नहीं था, जिसके बावजूद ये घटना हुई है। तो इसके पूर्व में भी चाकू चले थे और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो बच्ची आज भी घूम रही है बिंदास तरीके से। और ये कॉलेज मतलब एक शिक्षा का मंदिर नहीं, यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि अय्याश का अड्डा बन चुका है, यहाँ कोई भी आकर कोई भी घटना कर सकता है, बिना आईसी से भी हर कोई आता है। यहाँ पर बजरंग नगर की है, जेतापुर की कारी में हम लोग एडमिट करवा के आए हैं, जिसके बाद में उन्हें वहाँ विराज हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, उनका उपचार चल रहा है। फुटेज की जो घटना है उसकी फुटेज निकाली जाए, अगर वो घटना किसी ने अंजाम दी है तो उस पर कार्रवाई करने की मांग रखेगी। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बालिका बीए सेकंड ईयर की कॉलेज के तीसरी फ्लोर से गिर गई है, तो मौके पर पहुँचे हमने, घटना स्थल चेक किया, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और इलाज चल रहा बालिका का, अभी सीरियस है थोड़ी, होश आने पर कुछ कह पाएंगे, जाँच चल रही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।